अभी बारिश में या बारिश नहीं है, फिर भी ये हाल है। बारिश होगी तो पता नहीं ऊपर से बिल्कुल कवर ही चलेंगे। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्ते लागू। सीवरेज इंजीनियर्स की लापरवाही के कारण वार्ड नंबर 1, 2, 3 के कोटरा क्षेत्र पूरे यहाँ के रहने वाले परेशान हैं। इनका कोई लेवल से काम नहीं हो रहा है। कभी भी इंजीनियर्स को बताते हैं तो ठेकेदार पे डाल देते हैं। ठेकेदार बोलता है हमें जैसा इंजीनियर्स बोलेंगे वैसा काम करेंगे। होना ये चाहिए कि जनहित के काम को जनता के अनुरूप होना चाहिए, जनता क्या चाह रही है, और ख़ुद को भी देखना चाहिए। जब लेवल उसका पानी का ठीक नहीं है तो उसको लेवल को ठीक करके उस पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। वो डाल देते हैं पुरानी व्यवस्था पे। पुरानी व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसको सुधारने का काम इंजीनियर्स का है, उसका लेवल ठीक करने का काम इंजीनियर्स का है। ठेकेदार को जितना काम बोलते हैं उतना वो ठेकेदार कर देता है, इंजीनियर्स पे डाल के हाथ खड़े कर देता है। इसलिए अभी जो इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 का है ये मामला, यहाँ कल पूरी पब्लिक इकट्ठा होके इस काम को रुकवाया था कि उसका कारण केवल मात्र ये था कि जो लेवल है ना वो ठीक नहीं है और घरों में से बदबू जा रही है इस सीवरेज कनेक्शन के कारण। जनता परेशान होने के कारण इन्होंने सारा काम रुकवा दिया। जब तक ये लेवल ठीक नहीं करेंगे तो ये उचित भी नहीं है कि उसको काम को पूरा किया जाए। लेवल पूरा तरीके से ठीक कर दें और जो बदबू जा रही है घरों में उसको रोक दें, कनेक्शन ढंग से कर दें। आखिर ऐसा काम क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? ये इंजीनियर्स की लापरवाही है। प्रभावी देखरेख नहीं हो पा रही। वो ऑफिस में बैठे बैठे अपना काम कर लेते हैं। ठेकेदार ने जो कर दिया वो ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि इंजीनियर मौके पर रहें, देखरेख करें उसका, वास्तव में उस मापदंड के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जिम्मेदारी इंजीनियर्स की है, न कि जनता की। जनता तो अपनी परेशानी बताने को यहाँ बैठी है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। ये गांव कोटड़ा है, वार्ड नंबर 3 की समस्या है। ये जो गली है इसके अंदर जो रोड का काम चल रहा है वो लेवल से नहीं निकल रहा। उसका जो पानी का ढाल है वो बीच में छोड़ देते हैं, कई खड्डे रख देते हैं तो पानी भर जाता है। तो उसके अंदर ये सीवरेज का जो भी काम चला तो सीवरेज के जो पाइप लगे हैं अंदर तो उनसे घरों के अंदर बदबू आ रही है। अब वो बदबू आने का कारण पता नहीं क्या है। उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ठेकेदार करेगा। ठेकेदार को बोले तो बोले इंजीनियर करेंगे, तो उसकी वजह से क्या पानी भर जाता है यहाँ पे। तो समस्या यही है कि यहाँ पे अगर रोड का काम चले तो थोड़ा लेवल मिला के सही हो जावे तो पानी का निकासी जो है वो नीचे की तरफ हो जाए, बस यही कहना। कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं आप? ये तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए इसको, जब से सीवरेज का काम चला है, जब से पूरी यहाँ वार्ड नंबर 3 में और 2 में सब समस्या पैदा हो रही है। पार्षद नहीं आती है कभी? पार्षद आती है, वो आके उनको बोलती है ठेकेदार को, उनको वो चली जा निकल जाती है, फिर उसके बाद में फिर वो मनमानी चालू हो जाती है उनकी।